फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा। इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेज चला रखा हूँ, जिसमें मैं प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो कंप्यूटर मैं दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मेरा ये ऑब्जेक्टिव वीडियो देख रहे हो तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव भी देखो, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों, हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाता हूँ, जस्ट उसी का ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दिया, उसके बाद मैं उसका ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ। तो आप मेरा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से देखो, चाहे फिर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर पटवारी की कर रहे हो, या फिर राजस्थान पुलिस की, या फिर कोई भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता हो। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो वो लास्ट में कमेंट करके बताना। और मेरा जो मेमोरी का डिस्क्रिप्टिव है वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम में देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप है, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है। देखो, ये क्वेश्चन है जो बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर आप सजेस्ट करो। देखो, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बोलूँगा, इसके जो चारों ऑप्शन वो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपने पास क्या है, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि बहुत लंबा वीडियो बनाऊँ, कम टाइम में ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो आप यदि इसका आंसर सजेस्ट करते हो और आप तुरंत सजेस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हो। जब तक आप उसका आंसर सजेस्ट नहीं कर पाओ, तब तक के लिए आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। और बिल्कुल अब अच्छी तरीके से और भी दिख रहा होगा आपको। अब हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है। सीडी रोम की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी सीडी रोम की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी सर्वर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वर, कि सर्वर कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्वेंशियल सक्सेस मीडिया, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। उसके बाद कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चुंबकीय टेप और डिस्क। उसके बाद क्वेश्चन 7वां है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिप। क्या है? चिप है, चिप, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है। पेन ड्राइव है, कि पेन ड्राइव क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कि पेन ड्राइव ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोधों को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोधों को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10वां है।
कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। जो 10वां क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 11 पेन ड्राइव है, कि पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई, कि जो पेन ड्राइव है वो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है, कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है वो होता है रोम में या ई प्रोम में, रोम या ई प्रोम, रोम में या ई प्रोम में, ऑप्शन डी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब है इराजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है रिजुएबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनोमी है, एक्रोनिम है रियूजेबल ऑप्टिकल, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीड एंड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट इसकी फुल फॉर्म है जिसको रीराइटेबल भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी को बिल्ट इन मेमोरी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मेमोरी भी बोलते हैं। सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, सीडी पर हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि सीडी पर हम पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है फाइल को सेव कर कंप्यूटर पर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी स्टोरेज में, कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें जब हम कंप्यूटर को चलाते हुए और डायरेक्ट लाइट बंद लाइट चली जाती है, हम बिजली को बंद कर देते हैं, तो उसमें जो डाटा है वो बिल्कुल सेव रहता है, जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें ऐसा नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी में आपको डाटा को सेव रखना है तो उसके लिए आपको रेगुलर एनर्जी चाहिए, जैसे लाइट जाएगी वो डाटा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को सबसे कम एक्सेस समय है, कि कौन सी मेमोरी है जिसका सबसे कम एक्सेस समय, तो वो है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि जो कैश मेमोरी है वो एक सबसे कम समय की एक्सेस मेमोरी है, जो एक्सेस करने में सबसे कम समय लेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, कि जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार निर्भर करता है वो है ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस पर, किसमें, डिस्क स्पेस में, कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस में। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है एक डिवाइस को डाटा और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्सेस टाइम, क्या, एक्सेस टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, ये टोटल 4 मेमोरियों के एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 20 में, अब इन चारों में से आपको पता चलाना है कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज है, तो इसका करेक्ट आंसर है रजिस्टर, रजिस्टर है जो सबसे तेज या सबसे उच्च गति की मेमोरी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज क्षमता, क्या, स्टोरेज क्षमता, कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है CDRW का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड राइट मेमोरी, क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी ऑप्शन, सॉरी रीराइटेबल मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 22वां है कि सी डी आर डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी, क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। मैंने पिछले एक जहाँ सी डी आर डब्ल्यू के बारे में आया था, वहाँ मैंने एक बार तो बताया था कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी, और एक बार मैंने बता दिया कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी। तो ध्यान रखना वहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी है, न कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। जो सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23वां है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है, कि जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या करंट को खो देती है, कंटेंट को खो देती है, इसे कहते हैं कि जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी। क्या कहते हैं? वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी। जो 23वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल रीड, ऑप्शन नंबर डी, क्या है? केवल रीड, रीड ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, रैम या वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है या एक अस्थाई मेमोरी है, क्यों है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी में डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होता या गुम नहीं होता, तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है, देखो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। तो ये जो ईप्रोम है, देखो जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी में डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होता, तो वो है रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। जो ये दो प्रकार है, एक तो ईप्रोम दूसरा ईईप्रोम, ये दोनों के दोनों रोम के ही दो भाग हैं। जो रोम मेमोरी होता है रीड ओनली मेमोरी, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रोम जिसको फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है ईप्रोम, ईप्रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद है तीसरा ईईप्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों ये थे टोटल 26 क्वेश्चन, देखते हैं इन 26 क्वेश्चनों में आप टोटल कितने क्वेश्चन सही करते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स दोस्तों देखने के लिए, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।